बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अल राज़ी इस्लामिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 3। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, स्टे सेफ एंड हैप्पी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 8 ऑफ आवर बुक एंड सेकेंड चैप्टर ऑफ आवर T2, बर्ड टॉक। थिंग्स सेड द रॉबिन, थिंग्स सेड जे, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। रॉबिन और जे टू डिफरेंट बर्ड्स हैं जिनके बारे में यहाँ बात हो रही है, और वो एक दिन कहाँ बैठी थी? गार्डन में बैठी थी। थिंक अबाउट पीपल, द वे दे ग्रो, और पीपल्स के बारे में सोच रही थी कि वो किस तरह बढ़ते हैं। दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो, और उनके पास पंख नहीं हैं, जैसे कि तुम जानती हो। दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। ठीक है, ना वो बीटल्स खाते हैं, ना उनके विंग्स बढ़ते हैं, ना उनको वायर्स पे बैठना पसंद होता है। थिंग सेड द रॉबिन, थिंग एंड द जे, ये इन दोनों की सोच थी, जे और रॉबिन की। Aren't people funny to be that way? और उनकी सोच में people इस तरीके से grow होते हुए बहुत funny लगते हैं। ठीक है students, यहाँ पर हम लोग की poem ख़त्म। Hope आप लोगों को समझ में आई हो। और इस poem के poet हैं, उनका नाम है Eileen Fisher। ठीक है, तो आप इस video को बार बार देखें, इस chapter को समझें। अब हम इसके difficult words पढ़ेंगे। Feathers, feathers means पंख। थिंग, सोचना, सिटिंग बैठना, विंग्स पर।